लेकिन जब तक इंद्रिय विषय से मन निवृत्त नहीं होता है, निवृत्त होने के लिए ही उसका साधना, हमारे जो साधन चेष्टा किस लिए, साधना किसे कहते हैं, साधना कहते हैं साधा माने प्रैक्टिस, साधना शब्द का माने है माने स्थूल शब्द साधना, कहते हैं साधन भजन तुम्हारा हो रहा ठीक, साधन और भजन दोनों अलग वस्तु है। साधना कहते हैं इंद्रिय वृत्ति को संयमित करके भगवत चरण में मन को सन्निवेशित करने के लिए जो चेष्टा है इसको कहते हैं साधना, एक अंतरिंद्रिय साधना एक बहिरिंद्रिय साधना। बहिरिंद्रिय है यह हमारे जो बहिरिंद्रिय है चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक, ये तो भागता है भागना इसका स्वभाव है, लेकिन ठीक है इसको भागने दो, तुम नहीं भागना, पहले ये साधना ये साधन चेष्टा तुम करते रहो। जैसे मान लो हम भजन करना चाहते हैं, अब रात हो गया मन अच्छा नहीं लगा, चलो टीवी खोल के थोड़ा सा कोई चैनल फैनल देखे थोड़ा सा मन में, ना ना ये देखना नहीं, एक झलक ग्राम्य गीत ग्राम्य जो नृत्य गीत ये देख करके एक झलक में तुम्हारे मनोवृत्ति को दूषित करके कम से कम एक महीना तुम्हारा भजन नष्ट करने में समर्थ है, ऐसे ऐसे ग्राम्य सब आजकल दिखने में आता है। तो ठीक है हम देखेंगे नहीं मन कितना भागे, टीवी आजकल तो मोबाइल में भी बहुत सारे कुछ साथ ही रहता है, ग्राम्य गीत ग्राम्य वस्तु ग्राम्य दृश्य हमको देखना है नहीं, हम देखेंगे नहीं, ये कोशिश करना पड़ेगा। ये बहिरिंद्रिय संयम कान के द्वारा ग्राम्य गीत ग्राम्य वार्ता श्रवण हम करेंगे नहीं, जीवाओं का संयम तो करेंगे, जो वस्तु हमारे भजन के लिए बाधक है जो वस्तु खाने से हमारा चित्त विक्षेप होता है ऐसे वस्तु हम खाएंगे नहीं चाहे कितना कष्ट हो। मान लो ऐसे वस्तु हमारे सामने आ गया बहुत लोभनीय वस्तु, लेकिन खाने से हमारे इंद्रिय चंचल हो सकता है या कोई बीमार बढ़ सकता है, जैसे मान लो शुगर है हमारा, सामने मिठाई दे दिया है चलो एक रसगुल्ला खा लो, बहुत दिन खाया नहीं आज तो खा लो, तो क्या होगा शुगर बढ़ जाएगा, शुगर के कारण नाना प्रकार व्याधि आक्रांत हो जाओगे, इसलिए जीवा संयम ये संयम करने का चेष्टा। स्पर्श स्पर्श से बचे रहना चाहिए, स्पर्श स्पर्श भी बड़ा खतरनाक है, स्पर्श से मन को पलक में मोहित करने में समर्थता है। ठीक है मन भागने दो तुम बचे रहना, इसको कहते हैं बहिरिंद्रिय संयम चेष्टा करना है, मन तो भागेगा ही ये तो स्वभाव है, ये कोई दोष नहीं है, ये अनादिकाल का स्वभाव है मनुष्य मात्र ही, ये जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है तब तक जा करके इससे मुक्त होना उतना सहज नहीं, सहज है मन अगर भगवत चरण में एक तल्लीनता आ जाती है तो जाके उतना हमारे लिए चिंता के विषय नहीं होती है, उतना विक्षेप पैदा करने में समर्थ नहीं हो सकता है, लेकिन प्राथमिक अवस्था में हम जैसे प्राथमिक साधक के लिए शब्द है, जो मन निश्चल हो गया भगवत चरण में निश्चल हो गया, मन में विषय कोई पदार्थ वस्तु उनके मन में कोई रेखा पात करने में समर्थ नहीं होता है उनके लिए ये शब्द नहीं है, लेकिन हम जैसे साधारण जो साधक हैं उनके लिए शब्द आता है, इसको संयमित करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। अगर तुम मन को छोड़ दोगे विषय के इंद्रिय को तुम छोड़ दोगे तो इंद्रिय ना जाने क्या करने का कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ तुमको गिरा देगा कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं ये मन को कभी विश्वास नहीं करना। ठीक है तुम्हारा मन संयमित है अच्छा है बहुत सुंदर है, लेकिन विश्वास नहीं करना, सबसे धोखाबाज अगर हमारे अंदर कोई है हमारे मन जीवन में अगर कोई धोखाबाज कोई है वो है हमारा मन, ये मन ही हमको धोखा दिया है जन्म जन्म, ये मन के कारण हम धोखा खा रहे हैं। अभी भी मानव जन्म प्राप्त करके सदगुरु पदाश्रय प्राप्त करके ब्रजधाम प्राप्त करके अभी भी हमारे मन आकर्षित हो रहा है, अभी भी हमारे इंद्रिय के ऊपर कोई संयम है नहीं, है ना।
है ना। तो यह है बहिरिंद्रिय संयम, ये संयम करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और अंतर इंद्रिय संयम, मन तो भागता है, भागेगा, मन का स्वभाव है, मन का स्वभाव है, मन तो भागेगा, लेकिन तुम भागना नहीं, इतना करो, तुम भागना नहीं। इस तरह से संयम करना यह साधन, इसको कहते साधना। एक अंतर इंद्रिय संयम करने का चेष्टा, एक बहिरिंद्रिय संयम करने का चेष्टा। बहिरिंद्रिय संयम से कठिन है अंतर इंद्रिय संयम माने मन, तब होगा भजन। भजन किसको कहते हैं, ना भगवत चिंतन में मन की जो तल्लीनता, उसको कहते हैं भजन। भजन है गुरु प्रदत्त नाम, जप, ध्यान, धारणा, उपासना, स्तव, स्तुति, वंदना, है ये जो है गुरु प्रदत्त मार्ग जो है, उस मार्ग अवलंबन करके निश्चल होना, यह है भजन। भगवत चिंतन में मन की निश्चलता का नाम है भजन। और बाकी जो है संयम, अनुशीलन। हम लोग ज्यादातर, हम जैसे कनिष्ठ अधिकारी साधक, ज्यादातर अनुशीलन करते हैं, भजन नहीं करते हैं। भजन कहते हैं लेकिन भजन ना, अनुशीलन। अनुशीलन माने पूजा कर रहे हैं, मन है कहीं ये करना है वो करना है, तो जल्दी करो जल्दी करो, वहां तो जाना है, यह ये कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, माला दिल्ली बंबई घूम रहा है, माला भी जप कर, जाना है जल्दी जाना है, कितना शंका वो, अभी तो अभी तक 8 माला बाकी है, जल्दी करो जल्दी करो, जाना है, समय हो गया, घड़ी देख रहे हैं। तो यह है अनुशीलन। जैसे बच्चा को धमकाया जाता है किताब लेके पढ़ो, बच्चा किताब लेके इधर उधर दिखता है, किताब लेके बैठा है, अनुशीलन, पढ़ाई नहीं। तो हमारे जो भजन प्रक्रिया है, हम जैसे हम फिर कहते हैं अनुशीलन जो है, ये प्राथमिक जो अवस्था में साधक जो है उनके लिए ऐसे होता है। साधारणतः जो मन लग गया, जिसका मन भगवत चिंतन में तल्लीनता, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति उदासीनता आ गई है, वो तो भाग्यशाली है। उस स्थिति में जाने के लिए ही हमारे साधन प्रक्रिया, उस स्थिति में पहुंचने के लिए, उसके लिए ही संयम, उसके लिए ही सत्संग होना चाहिए, तीव्र होना चाहिए, कहीं ढीला देने से बिगड़ जाएगा। एक दिन अगर तुम बहिर्मुख लोगों का थोड़ा सा संग दोष अगर प्रभावित तो हो गया, उस संग ना जाने खींच करके तुम्हारे मनोवृत्ति को कहां से कहां पहुंचा देगा, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। फिर आसन में आके जब बैठोगे तब देखो, अरे मन तो हमारा कहां भाग गया, ये जो गया है ना दक्षिण भारत गया है, बालकृष्ण आके बोलते हैं हमारा सब जैसे खो गया, तो ऐसा होता है। इसलिए संयम, अंतरिंद्रिय संयम, बहिरिंद्रिय संयम, तत्सहित साधु संग, सत्संग में रहना, एकांतवास, एकांत में रहना। तो इसीलिए गीता में कहते हैं कुछ गुण है, ये होना बहुत जरूरी है। अगर तुम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, वो प्रेम प्राप्ति करना चाहते हो, तुमको विशेष आदर के साथ प्रत्येक गुण को तुमको अनुशीलन करना बहुत जरूरी है, करना पड़े। जो इस जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं उनके लिए सत्संग है, मैं कह रहा हूँ। जो संसारी है ना, बाल बच्चा, स्त्री पुत्र लेकर के, हाँ थोड़ा साधु संग करना है, चलो वृंदावन गए हैं, काल सुबह तो जाना है, जल्दी काम है, यहाँ जाना वहाँ जाना है, चलो बाबा का बात सुन लिया, ठीक है चलो चलो जल्दी चलो, उनके लिए शब्द नहीं, ठीक है वो अच्छा है, सुन रहे हैं वो भी ठीक है, अभी नहीं। एक बगीचे में कोई फूल खिल गया, कोई कली है, कहीं तो कली आया नहीं, तो ऐसा ही है ना, ये संसार है, कहीं तो खुल गया है, कहीं तो छोटी छोटी कली है, कहीं तो आया ही नहीं।